हेलो एसजीटीवी स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आपका हिंदी की क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जो भी आपको होमवर्क करवाया जा रहा है उसे रेगुलर करें और पढ़ने की भी कोशिश करें। पाठ जो भी करवाए जाते हैं उनको रीड करो, समझो, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ नंबर 13 करेंगे, हुदहुद। हुदहुद एक पक्षी का नाम है जिसके सिर पे कलगी होती है, इस तरह से कलगी होती है, ठीक है। अब इसमें एक कहानी के जरिए बताया गया है कि हुदहुद को कलगी कैसे मिली थी, ठीक है। पढ़ें, आओ बच्चों शुरू करते हैं। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न कठोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी। उड़न कठोले मतलब पहले के टाइम में जो बादशाह लोग थे वो किस पे जाते थे, ऐसे उड़न कठोले जो उड़ते थे। तो बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। किससे कहा था? गिद्धों से। पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। अब राजा ने, बादशाह ने किससे कहा था? गिद्धों से, कि तुम, गर्मी लग रही है मुझे, कि तुम मुझे अपने पंखों से छाया कर दो। पर गिद्धों ने कहा कि हम इतने छोटे छोटे हैं कि हम आपके सिर पे छाया कैसे कर सकते हैं। फिर सुलेमान क्या हुआ? सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। मुखिया जो प्रधान होता है, किससे हुई? हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था, उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी, ठीक है। अब कहता है, सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे हो पर चतुर अधिक हो, तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। अब सुलेमान ने सबसे पहले किससे मदद मांगी थी? गिद्धों से। उन्होंने मना कर दिया। फिर सुलेमान आगे बढ़े, उन्होंने किससे मदद मांगी? हुदहुदों से। अब हुदहुदों के प्रधान ने, मुखिया ने क्या किया? सुलेमान के सिर पे छाया कर दी। अब वो प्रसन्न है सुलेमान, वो कहते हैं कि मांगो, तुम क्या चाहते हो? तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज मैं अपने साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊँगा। मुखिया ने कहा कि महाराज मैं अपने साथियों से एक बार सलाह मशवरा कर लेता हूँ, फिर मैं अपनी इच्छा आपको बताता हूँ। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। ये देखो, ये वाली कलगी, क्या कहता है कि सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है? उनसे प्रश्न किया मुखिया कि इसका जो परिणाम होगा, जो आगे आने वाले आपके सिर पे अगर सोने की कलगी निकल आई तो इसका जो परिणाम होगा उसके बारे में सोच लिया है? मुखिया बोला, हाँ महाराज मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। कहते मैंने खूब सोच विचार करके सभी के साथ सलाह करके फिर ये वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली, सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। क्या निकल आई? सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। अब जाहिर सी बात है, सोने का तो लालच होता है लोगों को, तो वो पीछे पड़ गए, तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। ये देखो, हुदहुदों के सिर पे सोने की कलगी निकल आई थी, लोगों ने उनको, उस हुदहुदों को मारना शुरू कर दिया और मारकर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। अब हुदहुदों का जो वंश था वो समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबरा कर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी, खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज कलगी शोभा पा रहा है, ठीक है। बच्चों, ये पक्षी कभी कभार देखने को मिलते हैं, जब ये थोड़ा उठते हैं तो ये पंख फैलाते हैं, इनकी कलगी भी बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है प्यारे बच्चों।
इस पाठ को पढ़ो, समझो, ठीक है? धन्यवाद।